अब आपको याद होगा पिछली बार हमने बात की थी कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। बेसिक हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने आपको नॉलेज दिया था। अब आते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट किस किस प्रकार का होता है। पुराने जमाने में और अभी भी कई लोग यहाँ से पूरी की पूरी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर के करीब निकाल लेते हैं जड़ समेत, और फिर उसको स्टिच कर देते हैं। और ये मान के चलिए, चाहे कोई डॉक्टर कुछ भी कह ले, कि स्टिच का निशान दिखेगा, जैसे सीजेरियन में दिखता है या किसी भी ऑपरेशन में दिखता है, ऐसे नहीं है। बाल लंबे होंगे ठीक है, ढक जाएगा, लेकिन अगर आप कभी मुंडन कराएंगे या बहुत छोटे बाल रखेंगे तो दिखेगा। ये तो है स्ट्रिप, इसको कहते हैं स्ट्रिप हेयर ट्रांसप्लांट। इसमें फायदा क्या होता है? इसमें फायदा ये होता है कि हाँ, हमने खूब सारे बाल एक ही बार में ले लिए, यानी 4000 ग्राफ्ट एक ही दिन में हो गया। लेकिन इसका नुकसान, जैसे मैंने बताया कि निशान है, दूसरा कि इन्वेजिव है, मतलब आप जैसे गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन कराने जाओगे तो पूरा पेट कटवाओगे या दूरबीन वाले से करोगे। तो दूसरी टेक्निक भी होती है, जैसे मान लीजिए दूरबीन वाला ही कह लीजिए, जिसमें के बालों की जड़ों को बारीकी से एक एक करके लिया जाता है, कि यहाँ से लिया, इसके आसपास की 2-3-4 बालों को छोड़ दिया हमने, और फिर हमने बालों की जड़ को लिया, फिर हमने छोड़ा और फिर लिया। इस तरीके से क्या होता है, ना तो निशान पड़ता है जो कि एकदम से दिखे, और ना ही ऐसा होता है कि कोई लंबी सी लाइन जा रही है पीछे, गजनी वाली लाइन नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि लेस इन्वेजिव होता है। इतने सारे हमने पेशेंट किए और हम खुद भी हैरान थे शुरू में, कि जब स्टिच लगाते थे तो हमको दर्द की दवाई देनी पड़ती थी कि ठीक है खानी है 7 दिन, और जब फ्यूज से करते हैं तो ऐसा कोई दवाई, यानी बिना स्टिच के करते हैं, उसको फ्यूज कहते हैं, FUSC, कई लोग FUE भी कह देते हैं, लेकिन जो हमारी पर्टिकुलर टेक्निक है वो FUSC है, फ्यूज, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टिच के लिए। इसका फायदा ये है कि आप जहां पहले सिर्फ 4000 बाल ग्राफ्ट जो भी कह लीजिए लगा सकते थे, वो ज्यादा से ज्यादा कितना कवर करते, इतना करते। लेकिन अगर आपके पास दाढ़ी बहुत है और आपके पास छाती में भी बहुत घने बाल हैं, कई लोग आते हैं कहते हैं सारे बाल ले लो सर पे भर दो, ठीक है, हमारा कुछ सर पे बाल चाहिए चाहे ये छाती पे नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ स्ट्रिप लगाएंगे, उस स्ट्रिच का निशान रहने देंगे? वो तो नहीं कर सकते। तो फ्यूज टेक्निक ये अलाउ कर देती है कि हम ना सिर्फ सर से बल्कि हम दाढ़ी से भी, इधर से भी, यहाँ से भी बाल ले सकें, और ज़रूरत पड़े तो छाती से भी, प्यूबिक एरिया से भी, आर्मपिट से भी, इन सब जगह से। इन सब जगह हम स्टिच नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक का फर्क पता चल गया आपको, ये आज के बारे में इतना बता रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की टेक्निक में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत हमको बताइए, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।